तारीख 2 जून 1995, दोपहर के करीब 4 बज रहे थे। मायावती लखनऊ के मीरा रोड पर स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में अपनी पार्टी के विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। तभी उन्हें बाहर से आवाज आने लगी कि चमार पागल हो गए हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, तभी अचानक सपा के 200 बाहुबलियों की भीड़ ने गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। बसपा के तमाम नेताओं को पीट पीट कर जबरदस्ती गाड़ियों में भरा जाने लगा। लेकिन एक और घटना हुई जो इससे अलग थी। समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायकों और समर्थकों की उन्मादी भीड़ सबक सिखाने के नाम पर उस दिन मायावती की आबरू पर हमला करने पर आमादा हो गई। कथित तौर पर यह भी कहा जाता है कि भीड़ ने पीट पीट कर उनके कपड़े भी फाड़ दिए थे। खैर, भीड़ से बचते हुए मायावती ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। इस घटना के बाद मायावती इतना सहम गई थी कि उन्होंने पुलिस फोर्स आने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला। इतिहास में इस घटना को गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। पॉलिटिकल किस्सों में आज किस्सा गेस्ट हाउस कांड का। तो चलिए देखते हैं गेस्ट हाउस कांड में क्या क्या हुआ था। 6 दिसंबर 1992, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करने के अपने मकसद में कामयाब रही थी। इसके बाद साल 1993 में दोबारा चुनाव होने थे और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव और बीएसपी प्रमुख कांशीराम ने गठजोड़ किया था। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और कुल सीट थी 422। मुलायम सिंह 256 सीटों पर लड़े और बीएसपी 164 सीटों पर। चुनाव के बाद सपा को 109 सीटें और बसपा को 67 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल हुई। भाजपा 177 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सत्ता में नहीं आ सकी। मुलायम सिंह ने कांग्रेस समेत दूसरे छोटे दलों, निर्दलीय विधायकों और बीएसपी के समर्थन से सरकार बना ली। सपा की इस सरकार में बीएसपी के 11 मंत्री बनाए गए। इसके बाद करीबन 1.5 साल तक इस गठजोड़ की सरकार चली। इसके बाद इसमें मन मुटाव होने शुरू हो गए और यहाँ से जो राजनीतिक खेल है वो बदलता है। साल 1995 में जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए तो 50 जिलों में से 30 पर सपा का परचम फहरा, 9 जिलों में भाजपा, 5 पर कांग्रेस और बसपा को सिर्फ 1 सीट ही मिली। इसके बाद कांशीराम को लगने लगा कि सपा के साथ अलायंस में रहने पर उनका कोई फायदा नहीं हो रहा है और यहीं से सपा बसपा गठबंधन टूटने की कहानी लिखी जाने लगी। मुलायम सिंह यादव बसपा के विधायकों को अपने खेमे में करने की कोशिश करने लगे। वहीं बसपा ने भाजपा के साथ बातचीत बढ़ा दी। जयंत मल्होत्रा, जो उस समय राज्यसभा सांसद थे, साथ ही कांशीराम के दोस्त भी थे, उन्होंने कांशीराम को आरएसएस प्रमुख रज्जू भैया और अटल बिहारी वाजपेयी से मिलवाया। इसके बाद 23 मई 1995 का दिन मुलायम सिंह यादव कांशीराम से बात करना चाहते थे, लेकिन कांशीराम ने मना कर दिया। इसी रात कांशीराम ने बीजेपी नेता लालजी टंडन को फोन कर दिया। फोन पर बीजेपी बसपा गठबंधन को लेकर बात हुई। ये वो समय था जब कांशीराम की तबीयत खराब थी, वो अस्पताल में भर्ती थे। उनकी देखभाल कर रहे थे उनके दोस्त और राज्यसभा सांसद जयंत मल्होत्रा। इसके 8 दिन बाद 31 मई को गुड़गांव के हॉस्पिटल में मायावती कांशीराम से मिलने पहुंचती हैं। तब कांशीराम ने मायावती को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वो सूबे की सीएम बनेगी। इस पर मायावती को लगा कि कांशीराम मजाक कर रहे हैं। इसके बाद कांशीराम ने मायावती को बीजेपी के समर्थन के साथ एक लेटर दिया। इसके बाद अगले दिन यानी 1 जून 1995 को मायावती लखनऊ पहुंची और सपा बसपा के 1.5 साल पुराने गठबंधन को खत्म करने की जानकारी राज्यपाल मोतीलाल वोरा को भेज दी। वोरा ने एक दिन का समय मांगा। समर्थन वापसी की घोषणा से मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई और राजनीति का किस्सा नाटकीय हो गया। फिर आया 2 जून 1995 का दिन। इस तारीख को यूपी के राजनीतिक इतिहास का काला दिन कहा जाता है। इस दिन मायावती लखनऊ में ही स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। उधर समर्थन वापसी की सूचना से आग बबूला हुए मुलायम सिंह यादव ने अपने समर्थकों को गेस्ट हाउस भेज दिया। उस समय बसपा के एक बागी नेता राज बहादुर के नेतृत्व में पहले ही 12 विधायक टूटकर सपा के समर्थन में आ चुके थे, लेकिन दल बदल कानून के चलते बसपा के 67 में से कम एक तिहाई विधायकों का टूटना जरूरी था, यानी कि 8 विधायकों की और जरूरत थी। गेस्ट हाउस भेजे अपने समर्थकों को मुलायम सिंह ने बस एक टास्क दिया था कि कुछ विधायकों को समझाकर या धमकाकर अपनी तरफ करना है। मुलायम सिंह की यह फौज समाजवादी पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता और भीड़ चीख पुकार मचाते हुए अश्लील भाषा और गाली गलौज का इस्तेमाल करते हुए गेस्ट हाउस पहुंच गए। ये देखकर कॉमन हॉल में बैठे बसपा विधायकों ने, जिनके साथ मायावती भी वहीं बैठी हुई थी,
जल्दी से मेन गेट बंद कर दिया, लेकिन भीड़ ने उसे तोड़कर खोल दिया। फिर वो असहाय बसपा विधायकों पर टूट पड़े और उन्हें थप्पड़ मारने लगे, लतियाने लगे। बताया जाता है कि कम से कम 5 बसपा विधायकों को घसीटते हुए जबरदस्ती गेस्ट हाउस के बाहर ले जाकर गाड़ियों में डाला गया, जो उन्हें मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर ले गए। इन विधायकों को राज बहादुर के नेतृत्व में बसपा विद्रोही गुट में शामिल होने के लिए एक कागज पर मुलायम सिंह सरकार को समर्थन देने की शपथ लेते हुए दस्तखत करने को कहा गया। उनमें से कुछ तो इतना डर गए थे कि उन्होंने कोरे कागज पर ही दस्तखत कर दिए। इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गाथा है, जहां लोकतंत्र का खुलेआम चीरहरण हो रहा था। विधायकों को रात में काफी देर तक वहां बंदी बनाए रखा गया। जिस समय गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों को इस तरह से धर दबोचा जा रहा था जैसे मुर्गियों को कसाई खाने ले जाया जा रहा हो, तभी बाहर की भीड़ कुछ विधायक बचकर निकल आए और मायावती के साथ कमरों में छिप गए। अंदर आने वाले आखिरी वरिष्ठ बसपा नेता आरके चौधरी थे, जिन्हें सिपाही रशीद अहमद और चौधरी के निजी रक्षक लाल चंद की देखरेख में बचाकर लाए थे। कमरों में छिपे विधायकों को लाल चंद ने दरवाजा अंदर से लॉक करने की हिदायत दी और उन्होंने अभी दरवाजे बंद ही किए थे कि भीड़ ने एक झुंड बनाकर गलियारे में घुसना शुरू किया और दरवाजा पीटने लगी। मायावती के 2 कनिष्ठ पुलिस अफसर विजय भूषण और हजरतगंज स्टेशन के हाउस अफसर SHO सुभाष सिंह बघेल, जो SHO VIP थे, उन्होंने कुछ सिपाहियों को साथ ले जाकर बड़ी मुश्किल से भीड़ को पीछे धकेला। फिर वे सब गलियारे में कतारबद्ध होकर खड़े हो गए ताकि कोई भी उन्हें पार ना कर सके। क्रोधित भीड़ ने फिर से नारे लगाना शुरू कर दिया, गालियां देना चालू रखा और मायावती को घसीटकर बाहर लाने की धमकी देते रहे। कुछ पुलिस अफसरों को इस साहसपूर्ण और सामाजिक कार्यवाही के अलावा ज्यादातर उपस्थित अधिकारियों ने, जिनमें स्टेट गेस्ट हाउस के संचालक, सुरक्षा कर्मचारी भी शामिल थे, इस पूरे पागलपन को रोकने की कोई कोशिश नहीं। यह सब 1 घंटे से ज्यादा समय तक चलता रहा। जब विधायकों को अपहरण किया जा रहा था और मायावती के कमरे के भीतर आक्रमण हो रहा था, उस समय वहां लखनऊ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस OP सिंह भी मौजूद थे। OP सिंह खड़े होकर सिगरेट पी रहे। लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट के वहां पहुंचने के बाद ही वहां की परिस्थिति में सुधार आया। SP राजीव रंजन के साथ मिलकर जिला मजिस्ट्रेट ने सबसे पहले भीड़ के उन सदस्यों को गेस्ट हाउस के दायरे से बाहर धकेला जो विधायक नहीं थे। बाद में पुलिस के अतिरिक्त बल संगठनों के आने पर उन्होंने सपा के विधायकों समेत सभी को स्टेट गेस्ट हाउस के दायरे से बाहर निकाल दिया। ऐसा करने के लिए उन्हें विधायकों पर लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा और सपा के विधानसभा सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही न करने की मुख्यमंत्री के कार्यालय से मिली चेतावनी को अनसुना करके वो अपने फैसले पर डटे रहे। अपनी ड्यूटी बिना डरे और पक्षपात न करने के फलस्वरूप रात को 11 बजे ही जिला मजिस्ट्रेट के लिए तत्काल प्रभावी रूप से तबादले का हुक्म जारी कर दिया गया। जैसे ही राज्यपाल के कार्यालय और केंद्र सरकार के दखल देखते ही ज्यादा से ज्यादा रक्षा दल वहां पहुंचने लगे। गेस्ट हाउस अंदर की स्थिति नियंत्रित हो चुकी थी। जब रक्षकों ने बिल्डिंग के अंदर और बाहर कब्जा कर लिया, तब गालियां, धमकियां और नारे लगाती हुई भीड़ धीरे धीरे कम होती चली गई। मायावती और उनके पार्टी के विधायकों के समूह को, जिन्होंने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर रखा हुआ था, उन्हें यह यकीन दिलाने में काफी समय लग गया कि अब खतरा टल चुका है। उनको ये समझाते कि अब खतरा टल चुका है वो बाहर आ जाएं, काफी रात हो चुकी थी, क्योंकि वो इतना डरे थे कि इस बात में फर्क नहीं महसूस कर पा रहे थे कि कौन पुलिस है और कौन उपद्रवी। इसके बाद 3 जून 1995 को BJP, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के 282 विधायकों के समर्थन से मायावती ने आखिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। बाद में काशीराम ने इसे मायावती की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा कहा। CM बनते ही मायावती ने इस कांड की जांच के लिए रमेश चंद्र कमेटी बनाई। इससे अपनी 89 पेज की रिपोर्ट में गेस्ट हाउस कांड के आपराधिक षड्यंत्र के लिए मुलायम सिंह यादव समेत 74 अन्य लोगों के साथ सीधे जिम्मेदार ठहराया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि योजना पहले ही बना ली गई थी और इसके लिए कुछ अधिकारियों को पहले ही लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया था। इस कांड के बाद मायावती और मुलायम के बीच एक राजनीतिक लकीर खिंच गई। मायावती ने इसके बाद कई बार अपनी रैलियों में इस कांड का जिक्र किया। इसका जिक्र करते हुए हमेशा उनके चेहरे पर एक गुस्सा आ जाता था। मायावती ने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्षमय जीवन, एक बहुजन समाज मूवमेंट का सफरनामा में लिखा। मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया जब उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने की कोशिश की। उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ हमारे विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की, बल्कि मुझे मारने तक का प्रयास भी किया।
हालांकि 24 साल बाद 19 अप्रैल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा ने गठबंधन किया तो मैनपुरी में एक रैली में दोनों नेता साथ आए। वहीं 2019 के चुनावों में गठबंधन से ठीक पहले मायावती ने मुलायम सिंह यादव के ऊपर लगे गेस्ट हाउस कांड वाले केस को 26 फरवरी 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया। ये कहानी मायावती जी के जीवन पर आधारित अजय बोस की किताब बहन जी से। इस किताब में ये भी जिक्र किया गया कि गेस्ट हाउस कांड के दौरान बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने मायावती की जान बचाने में काफी मदद की थी। खुद मायावती सार्वजनिक तौर पर कहती रहीं कि अपनी जान की परवाह किए बिना ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने मेरी जान बचाई थी। यही वजह है कि मायावती ने भी उन्हें हमेशा अपना बड़ा भाई माना और कभी उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। पूरे राज्य में मायावती बीजेपी का विरोध करती रहीं, लेकिन फर्रुखाबाद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के लिए प्रचार करती थी। कहा जाता है कि जब गुंडों ने बाद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी को गोली मारकर हत्या कर दी, तब मायावती उनके घर गईं और फूट फूट कर रोईं। उनकी विधवा ने जब चुनाव लड़ा तब मायावती ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, बल्कि लोगों से अपील की कि मेरी जान बचाने के लिए दुश्मनी मोल लेकर शहीद होने वाले मेरे भाई की विधवा को वोट दे। राजनीति में कुछ रिश्ते नैतिकता के आधार पर भी बन जाते हैं, जहां विचारधारा बहुत पीछे छूट जाती। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इसके बाद किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। फिलहाल हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और साथ ही ये जरूर बताइएगा कि एक प्रदेश को अपना पहला दलित मुख्यमंत्री मिलने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मिलते हैं फिर से नई किसी स्टोरी में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।